33 साल बाद दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हो रही रामायण को लोग खूब प्यार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर अहम किरदार निभाने वाले एक्टर से जुड़े किस्से और कहानी सामने आ रही है। रामायण में जितना राम बने अरुण गोविल को प्यार मिला, उतना ही रावण बने अरविंद त्रिवेदी के काम को सराहा गया है। बता दें कि अरविंद त्रिवेदी गुजराती थिएटर के आर्टिस्ट हैं। इन्होंने करीब 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन जिसे रावण का किरदार इन्होंने निभाया है वैसा कोई नहीं निभा सकता। 84 साल के अरविंद त्रिवेदी से बात की और इस दौरान कई अनसुने किस्से सुनने को मिले। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद खुद शिव और राम के भक्त हैं। 33 साल पहले जब वो रामायण की शूटिंग किया करते थे तो वो पूरा दिन उपवास रखते थे और शूटिंग के बाद ही खाना खाया करते थे। शूटिंग शुरू होने से पहले अरविंद भगवान से माफी मांगते थे कि वो जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ उनके किरदार की वजह से है। रावण का किरदार निभाने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। आपको बता दें कि इन्होंने 4 जून 1966 को नलिनी के साथ शादी रचाई थी। फिलहाल उनकी 3 बेटियां हैं, जिनके बारे में इंटरनेट पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि उनका एक बेटा भी है जो उनके साथ में रहता है, जिसका नाम हेमंत त्रिवेदी है, और हेमंत की पत्नी और एक बेटा भी है। अरविंद त्रिवेदी आज मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते हैं। वैसे दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।